जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा आज के लिए क्या व्यू था, किस तरीके से मार्केट ने एक साइडवेज टू वॉलेटाइल सेशन आज के दिन हमें दिया है, जो कि एक्सपेक्टेड ही था। क्योंकि जब भी कोई बड़ा मूव आता है उसके बाद नेक्स्ट डे जो है जनरली साइडवेज टू वॉलेटाइल सेशन जाता है, बट एंड में जो है थोड़ी हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली, जो एक्सपेक्टेड लाइंस पे थी, जो एसजेएक्स निफ्टी दिखा रहा था उस टाइप की प्रॉफिट बुकिंग अपने को देखने को मिली। बट पूरे वीकेंड पे जितने भी कॉल वाले थे उनको स्ट्रेस था कि संचित भाई बड़ा गैप डाउन होगा, क्रेडिट स्विस की न्यूज़ आ रही है, ये आ रहा है, वो आ रहा है। मैंने आपको वीडियो बना के भी बताया था भाई, क्रेडिट स्विस एकदम से डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपको टाइम मिलेगा, एग्जिट मिलेगा सभी लोगों को, ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। बहुत लोग पैनिक कर रहे थे वीकेंड पे कि क्या हमें एग्जिट ही नहीं मिलेगा, मंडे को जब ओपन होंगे क्या होगा, अमेरिकन मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में क्या होगा। तो कुछ नहीं हुआ, आपको एग्जिट करने को मिला, जिसको एग्जिट करना है, जिसको लॉन्ग करना है उसको लॉन्ग करने को मिला, जिसको शॉर्ट करना है शॉर्ट करने को मिला। आपको ये नहीं बोल सकता देखो यहाँ से मार्केट अगर नीचे जाना ऊपर जाना वो अपने हाथ में नहीं है, बट यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाएगा ना तो कोई भी बंदा कमेंट सेक्शन में ये नहीं लिख सकता कि मेरे को मार्केट ने एग्जिट नहीं दिया। क्योंकि आज आपको वो लेवल मिला जो परसों की क्लोजिंग से भी ऊपर का लेवल था, 17,114 का लेवल, वो लेवल अपने को आज देखने को मिला। और वहाँ से अगर आप देखो तो एक अच्छा खासा फॉल अपने को देखने को मिला। हालांकि फॉल स्लो था, जिसे बोलते हैं ना स्लो पॉइजन की तरह ये फॉल जो है हम लोगों को मारता हुआ दिख रहा था, बट एक चीज़ हमें डेफिनेटली दिखाई दे रही है कि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हम लोगों को डेफिनेटली इस मार्केट के अंदर दिखाई दे रही है। तो वॉलेटिलिटी और उसका बड़ा साइन कौन सा एक और दिखाई दे रहा है, वो है इंडिया वीक्स, जो लगभग 7% ऊपर है एक दिन के अंदर। अगर आप देखो फॉल उतना बड़ा नहीं है, बट लोगों में फियर बढ़ा है और उस फियर की वजह से हमें एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी पूरे दिन दिखने को मिल रही है। बड़ी बड़ी वीक्स के साथ कैंडल बन रही हैं एक बार के लिए। तो मार्केट अगर आप देखो 10-10:20 से लेकर लगभग 11:01 तक का पूरा मोमेंटम अगर आप देखो बिल्कुल साइडवेज डोजी कैंडल ही मार्केट बना रहा था। तो ना बायर्स में कन्विक्शन था ना सेलर्स में कन्विक्शन था, बट फाइनली सेलर्स में कन्विक्शन आता हुआ दिखाई दिया जैसे डेज लो टूटे। टेलीग्राम ग्रुप जिन लोगों ने भी ज्वाइन नहीं किया है, लिंक उनको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोर देन 90,000 से ज़्यादा मेंबर्स हमारे ऑलरेडी हैं। यहाँ पे जो भी ट्रेड्स मेरे होते हैं पर्सनल ट्रेड ग्रुप के, या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मेरे को देना होता है, लेवल्स प्रोवाइड करने होते हैं, यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी पर्सनल ट्रेड ग्रुप में कैसी परफॉर्मेंस रही हमारी, बहुत अच्छा आज का दिन गया। 38,000 का पुट गया, लुपिन में कॉल जो दिया था वो अच्छा गया, 6,900 का पुट जो दिया था वो भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है बनाता हुआ दिखाई दिया। और वो मैं जो मेंबर्स होते हैं उनके आपके साथ जो है वो प्रॉफिट्स हैं वो शेयर करता हूँ। क्यों इसका मकसद है प्रॉफिट शेयर करने का या मेंबर्स के बताने का, देखो बहुत सारे नए लोग आते हैं शेयर बाज़ार में लॉस करने के लिए आते हैं, बिना लर्निंग के लॉस करने की सोचते हैं वो लोग गलत गाइडेंस के ज़रिए। तो मैं चाहता हूँ अगर आप ज्वाइन करें तो ज़रूर ज्वाइन करें, जिससे आपको सही गाइडेंस मिले और उससे आप लॉजिक ढूंढ पाएं कि हम ये ट्रेड्स क्यों ले रहे हैं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, अभी अगर हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं, 130 पॉइंट ऊपर डाउ जोन्स है, बहुत अच्छी बात है। नैसडेक फ्यूचर्स फ्लैट है, S&P 500 के फ्यूचर्स फ्लैटिश हैं, US मार्केट के फ्यूचर्स ठीक हैं, बट यूरोपियन मार्केट्स जहाँ पे ये क्रेडिट स्विस और डाउचे बैंक साथ ही में जो नेचुरल गैस के दाम बढ़ रहे हैं वो सारी चीज़ें जो हैं देखने को हमें मिल रही हैं, इस वजह से हम लोगों को यूरोपियन मार्केट्स में 1% का फॉल जो है वो कट दिखाई दे रहा है। और आज टेलीग्राम ग्रुप में मैंने जो आपको अपडेट दी थी वो अपडेट क्या थी कि ऊपर नीचे बस यही चल रहा है। आज कैपिटल प्रोटेक्शन का सोचे, आज वही प्रॉफिट बनाने के बराबर है। सुबह ही मैंने आपको ये चीज़ बोल दी थी क्योंकि मार्केट उस टाइप का था ही नहीं, कोई ट्रेंड अपने को मिले। एंड में ये ब्रेकडाउन पे अपन ने ट्रेड किया था, वहाँ पे अपने को अच्छे 50 पॉइंट मिले हैं, बट इसके अलावा कोई खास ट्रेड आज बनता हुआ दिखाई नहीं दिया है। मेंबर्स ने अगर प्रॉफिट बनाया है डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब किस तरीके से हम लोगों को प्लान आउट करना है कल के लिए, देखो अमेरिका में क्या होगा आज ओपनिंग के बाद हमें नहीं पता, क्योंकि अमेरिका के जो चार्ट्स हैं वो बहुत डिस्टॉर्टेड हैं, बहुत ख़राब हैं, बड़े बड़े लेवल्स तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप देखें इस वक्त जो FNO डेटा हमारे सामने बन के आ रहा है, अगर हम ऑप्शन चेन डेटा यहाँ पे लगाते हैं तो हमें एक चीज़ क्लियर जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है, 17,000 पे सबसे बड़ा कॉल राइटर है, बट 17,000 पे पुट राइटर फंस चुका है, ठीक है। जिसने पुट राइट करी थी फ्राइडे के सेशन में वो पुट राइटर फंसा है और उसने अभी तक अपनी पोजीशन नहीं काटी है, ये चीज़ हमें
क्लियर कट दिखाई दे रही है। बट आज के दिन 17,000 17,117 200 पे एग्रेसिव पुट राइटिंग, एग्रेसिव कॉल राइटिंग होती हुई डेफिनेटली हम लोगों को दिखाई दे रही है। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करते हैं, बैंक निफ्टी में एक चीज़ जो अपन को दिखाई दे रही है वो चीज़ दिखाई दे रही है सेम चीज़, 0.74 का PCR है। ओवरसोल्ड की टेरिटरी से अभी थोड़ा दूर है, न्यूट्रल जोन में हमें बैंक निफ्टी का PCR चलता हुआ दिखाई दे रहा है और हम लोगों को एक बार के लिए अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग जो है पुट राइटर्स के द्वारा होती हुई दिखाई दी है और कॉल राइटिंग एग्रेसिव मात्रा में हमें होती हुई दिखाई दे रही है। तो कॉल राइटिंग अभी डोमिनेंट है इस वक्त अगर हम चार्ट पे देखते हैं तो। दूसरी चीज़, ग्लोबल मार्केट्स में आज कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, फेड की एक इमरजेंसी मीटिंग है जो होने वाली है, तो वहाँ से कुछ भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, कुछ बड़ा इम्पैक्ट ऊपर या नीचे का हो सकता है, तो वो देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा फेड की इस इमरजेंसी मीटिंग के बारे में। दूसरी चीज़, अगर आप यहाँ पे देखते हो निफ्टी का, तो चार्टिकली अगर हम बात करते हैं 16,800 मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। 16,800 के नीचे अगर निफ्टी ड्रिफ्ट कर जाता है, 16,830 के नीचे अगर निफ्टी जो है वो ड्रिफ्ट कर जाता है, तो मेरे लिए निफ्टी एक शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे एक अच्छा खासा बनेगा। पहला टारगेट इस शॉर्ट ट्रेड का मेरा जो बनता है दैट वुड बी अराउंड 16,750 का। दूसरा टारगेट जो मेरा बनेगा दैट वुड बी अराउंड 16,570 का। ऑन द अपसाइड में मैं लॉन्ग कब तक नहीं करूँगा, जब तक निफ्टी इस लेवल के 17,050-60 के ऊपर जो है वो सस्टेन नहीं करता, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो मैं लॉन्ग करने की कोशिश करूँगा। पहला मेरा टारगेट होगा अराउंड 17,180 का, दूसरा टारगेट होगा 17,275 का। ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी चाहिए। बैंक निफ्टी में भी सिंपल चीज़ है, 38,000 के नीचे दिक्कत होगी, बट असली दिक्कत कहाँ पे शुरू होगी, 37,900 के नीचे, क्योंकि फिर 38,000 का पुट राइटर जो है वो फंसना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 37,900 का लेवल जो है वो तोड़ देता है बैंक निफ्टी, तो 38,000 के पुट राइटर में एक प्रॉब्लम हो सकती है और उसके बाद वो ट्रैपिंग जब होगी तो हम लोगों को दिक्कत की सिचुएशन हो सकती है। तो 37,900 के नीचे पहला मेरा टारगेट होगा 37,730 का, दूसरा मेरा टारगेट होगा अराउंड 37,400 का। तो बड़ा फॉल्स 37,700 के नीचे मेरे को दिखाई दे रहा है अगर बैंक निफ्टी जो है वो ड्रिफ्ट करता है तो। ऑन द अपसाइड में अगर बैंक निफ्टी जो है 38,100 के ऊपर सस्टेन करता है देन ओनली मैं बाय करने की कोशिश करूंगा। पहला मेरा टारगेट होगा अराउंड 38,374 का, दूसरा मेरा टारगेट होगा अराउंड 38,590 का। तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी होगी। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।